बाबा जी हम दिल्ली से आ रहे हैं। उसको छोड़ो, पहले आप बताओ क्या पियो क्या खाओगे? कुछ नहीं, हम बस देखने आए हैं। लंगर चल रहा है महाराज का जी, दूध पियोगे या शरदाई छकोगे या प्रसाद छकोगे बताओ? अगर हम ये ड्राई फ्रूट खाएंगे तभी ऐसी ठंड में हम डट पाएंगे, अगर ड्राई फ्रूट खाएंगे नहीं तो डटेंगे कैसे? ये तो है नहीं कि महलों में बैठे हैं, सड़कों पे बैठे। नमस्कार, ये किसान आंदोलन बड़ा ही शानदार ढंग से चल रहा है। तमाम सुविधाएं हैं, लंगर है, टेंट है, नहाने के लिए गर्म पानी है, रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान है। दुनिया में आज से पहले, इस किसान आंदोलन से पहले, आज तक की तारीख में ऐसा आंदोलन कभी नहीं देखा गया। सुबह हम देते हैं मिस्सी रोटी, सरसों का साग और मक्खन और लस्सी, और उसके बाद हम दोपहर को देते हैं कॉफ़ी और उसमें देसी घी डाल के, ताकि हमारे किसान भाई मजबूत और स्ट्रॉन्ग बने। और रात को फिर हम 6 बजे ये केसर वाला दूध, छोटी इलायची, मोटी इलायची, इसमें छुहारे डाल के, और आप देख रहे हो शहद और देसी घी डाल के हम मतलब किसानों को मतलब सर्व कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक आंदोलन है। जी हाँ, आप कहेंगे क्या रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान कहाँ? भाई साहब, इस किसान आंदोलन में आप में से बहुतों को पता भी होगा, किसान मॉल खुल चुका है। किसान मॉल जहाँ हर चीज़ मुफ्त है, तो क्या सबको अवेलेबल है? नहीं। ये ज़रूरी है कि आप आंदोलन के हिस्सा बने हों। अगर आप आंदोलनकारी हैं तो आपके लिए सब कुछ वहाँ उपलब्ध है, मुफ्त है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो किसान आंदोलन के मैनेजमेंट के पास जाइए, अपनी ज़रूरत बताइए, वो आपको एक स्लिप देंगे, वो स्लिप लीजिए और किसान मॉल पहुंच जाइए, अपना सामान लीजिए और वापस आंदोलन में आ जाइए जहां आपके लिए सारी सुविधाएं हैं। तो ये सारा सामान जो मुफ्त बांट रहे हैं, भीड़ लग जाती, कतार लग जाती? नहीं, सिर्फ आंदोलनकारियों के लिए है। वो अपना डाटा बैंक भी बना रहे हैं, आधार कार्ड देखते हैं, अरे कुछ तो पहचान होनी चाहिए, आपका नाम, आपका पता, आपकी मतलब जो भी आपसे ज़रूरी जो आपके इन्फॉर्मेशंस हैं वो कलेक्ट करते हैं, और वो अपना डाटा बैंक भी बना रहे हैं। उन्हें पता है कि किसान आंदोलन में उन्होंने कितने खैरात बांटे, कितने लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया, और वो लोग कौन से थे। हमको एक सिस्टम बना लिया गया कि हाँ टोकन बांट रहे हैं, टोकन के अगेंस्ट लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और अगर इतना सिस्टम बनाया तो हमने सोचा कि डाटा क्यों ना मेंटेन किया जाए, पता हो कि कौन से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लोकल तो नहीं आ रहे, फार्मर्स को ही फ़ायदा हो रहा है इसका या कैसे है। सो इस वजह से हमने आधार कार्ड लेना शुरू किया कि डिटेल्स होनी चाहिए। अच्छा, जैसे जो आसान काम नहीं है, ये बड़ा ही ज़बरदस्त मैनेजमेंट खालसा एड वालों ने किया है ना, बिल्कुल अलग थलग, साफ सुथरा, पूरा एकदम इवेंट मैनेजमेंट की तरफ, है ना। कोई इतना बड़ा इवेंट मैनेजमेंट कैसे कर सकता है? हो रहा है जनाब, ये किसान आंदोलन सुविधाओं का आंदोलन है, और इसके लिए उन सब को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए। लंगर आज से नहीं, जिस दिन से शुरू हुआ, और ऐसी ऐसी मशीनें वहाँ की 2,000-2,500 रोटियाँ हर घंटे में बने, स्टीम वाले चूल्हे, बॉयलर, आहा जनाब, आपकी सेहत के लिए, आपकी ज़रूरतों के लिए, आपकी सुविधाओं के लिए, आपके रहने के लिए, ठंड से बचने के लिए, जो कुछ भी चाहिए वो इस किसान आंदोलन में मौजूद है, क्योंकि ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। चप्पल चाहिए, जूते चाहिए, कंबल चाहिए, टूथब्रश चाहिए, दाढ़ी बनाने वाला सामान चाहिए, महिलाओं का सामान चाहिए, बच्चों का सामान चाहिए, क्या नहीं है वहाँ। सेहत खराब हो गई तो डॉक्टर लोग हैं, दवाइयाँ मुफ्त हैं। तो ये बहुत ही तरीके का आंदोलन है, बहुत ही सिस्टमेटिक आंदोलन है, बहुत ही तरीके से अरेंज किया गया आंदोलन है और चल रहा है। हम उस बहस में नहीं जाते कि सरकार क्या चाहती है, किसान क्या चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, हमें उधर जाना ही नहीं है। हम तो सिर्फ ये बताने जा रहे हैं कि एक किसान आंदोलन से पहले, इस किसान आंदोलन से पहले सबको पता होगा अन्ना जी ने आंदोलन किया था भैया,
और इस किसान आंदोलन में जितनी भीड़ जुटी है इससे ज़्यादा भीड़ थी उस आंदोलन में, कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन उस आंदोलन से एक नेता उपजा था, पैदा हुआ था, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। इस किसान आंदोलन के पेट में क्या है और क्या बाहर आएगा आने वाले दिन में देखेंगे। उसे शुरुआत में तो यही अरविंद केजरीवाल जो इस अन्ना के आंदोलन से मुख्यमंत्री बने थे, इनकी जो नज़रिया दिखा हमें कि इस किसान आंदोलन से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसा कुछ दिखा, हम सब देखेंगे, हमें देखना भी चाहिए, क्योंकि आम आंदोलन तो है नहीं, ये ऐतिहासिक आंदोलन है। हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे इस आंदोलन की खास खास चीज़ों पर। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और भारत के किसानों के साथ बने रहिए, हम तो यही कहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।